वेलकम टू IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने बताया दोस्तों कि मुझे ज़रूरत है ग्रुप डी के सेकंड जो सेकंड दोस्तों पार्ट है उसका मैथ का, और उसमें कुछ जीके भी होगी दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों ज़्यादातर जीके आती है ग्रुप डी में 70%, बाकी 30% मैथ आती है दोस्तों। मैंने उसी का ये सेकेंड पार्ट लिया है दोस्तों। आप लोगों ने जो कमेंट किए थे दोस्तों उसकी वजह से मैंने यहाँ पर ये आपके लिए उपलब्ध कराया है। जान लीजिए दोस्तों वो क्वेश्चन क्या है। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन है ये, भारत विश्व के कुल भौगोलिक भू क्षेत्र का कितना प्रतिशत रखता है दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा बी 2.4। हमारा इसका क्या है, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत रखता है, तो 2.4 यहाँ पर हमारा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा नहीं आती दोस्तों। उत्तर प्रदेश है, बिहार है, हरियाणा है, पंजाब है दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सीमा भी विदेशी लगती है दोस्तों, बिहार में भी लगती है, पंजाब में भी लगती है, लेकिन हरियाणा में नहीं लगती। तो इसका आंसर होगा हमारा हरियाणा, नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, भारत में से कौन सा राज्य समुद्र तटीय नहीं है दोस्तों। छत्तीसगढ़ है ऑप्शन में, महाराष्ट्र है, गुजरात है, कर्नाटक है दोस्तों। गुजरात की सबसे बड़ी तटीय रेखा है ये तो लगता ही है, महाराष्ट्र लगता है और कर्नाटक लगता है, इसमें छत्तीसगढ़ नहीं लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू स्थित है, तो लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है हमारा अरब सागर में। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2004 में सुनामी के दौरान भारतीय संघ का कौन सा दक्षिणतम बिंदु समुद्र में डूब गया। ऑप्शन है अंडमान, लक्षद्वीप, इंदिरा पॉइंट दोस्तों। इसका आंसर होगा हमारा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हमारा समुद्र दक्षिण बिंदु है दोस्तों, वो समुद्र में डूब गया था 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक आदमी 2 मीटर सेकंड की रफ्तार से दौड़े तो वह 1 मीटर प्रति घंटा तो वह 1 घंटा 20 मिनट में कितनी दूरी दौड़ेगा। हमें दूरी निकालना है दोस्तों, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों 1 सेकंड में दौड़ेगा कितना हमारा, 1 सेकंड में दौड़ेगा अर्थात हमारा क्या है दोस्तों, हम इसको सेकंड में बदल लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर दी गई है कितनी, 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा बदलेंगे क्या होता है हमारा, 1 घंटा 20 मिनट को बदलेंगे तो होते हैं हमारे 4800 सेकंड, जो आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट दोस्तों क्या कह रहा है इसमें, अब 4800 सेकंड हो गई तो हमें दूरी निकालना है, तो इसमें समय क्या दिया गया हमारा 2 मीटर सेकंड। तो ये हमारे यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो हमारा निकल के आता है 9600 मीटर। अब दोस्तों इसमें दूरी पूछी गई है तो 9600 मीटर है, तो ऑप्शन के अनुसार 9.6 होगा क्योंकि हम इसको मीटर में बदल देंगे। ये हमारी क्या आ गई दोस्तों यहाँ पर, ये आई हमारी मीटर, तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.6, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा ही मैथ का ही, नालंदा और नवादा 2 शहर हैं, साबे नालंदा से नवादा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है और वापस प्रारंभ बिंदु पर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से वापस आता है। औसत चाल बताइए दोस्तों, में औसत रफ्तार बतानी है, तो औसत रफ्तार का मान सूत्र होता है 2a into b / a + b। तो यहाँ पर 2 a सूत्र में रहता ही है, प्रारंभ चाल क्या है 30 × 30 × 70 / a + b, तो 70 × 30 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 3 × 2 = 6, 6 × 7 = 42। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये लिया है हमारा, ये भी दोस्तों मैथ का है, 200 मीटर लंबी एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी दोस्तों। 200 मीटर ट्रेन तो हमारी है ही, साथ में क्या हो रहा है दोस्तों, 200 मीटर लंबी ट्रेन, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म कितना समय लेगी दोस्तों। हमारी लंबाई दोनों की जोड़ जाएंगे तो क्या हो जाएंगी 400। अब दोस्तों क्या लग रहा है, 72 किलोमीटर चाल चल रही है, हमारे यहाँ समय निकालना है, तो हमारा समय x है, ये बदलेंगे हम 18/5 में, बराबर में रखेंगे 72, 18 × 18 = 72, 5 × 20, तो 400 × x = 20, ये 0 से 0 कट जाएंगे, हमारा x बराबर हमारा क्या आएगा 2 × 4 = 20, 20 सेकंड हमारा आएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा, 20 सेकंड लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये साधारण ब्याज का है, 4800 का 10% की दर से 120 दिन के पश्चात दे साधारण ब्याज क्या होगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हमारा इस टाइप से होगा, 4800 रुपया है तो 120 दिन के बाद हमें यहाँ मूलधन दिया है, दर दी है,
समय भी दिया गया है यहाँ पर 120 दिन। लेकिन दोस्तों ये 120 दिन दिए गए हैं तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 365 लिखना पड़ेगा और इंटू में 100 तो आता ही है इसमें, तो 2 जीरो से 2 जीरो हम काट देंगे। ये हम करेंगे कैलकुलेशन तो हमारा निकल के आ जाएगा 100 हमारा 57.80, ऑप्शन नंबर हमारा ये हमारा इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ये ब्याज की दर ज्ञात की जिस पर 100 रुपये की राशि 10 वर्षों में की अवधि में 200 हो जाती है। तो दोस्तों 100 रुपये दिए हैं उसने, 100 रुपये दिए हैं यहाँ पर और उसकी राशि कितनी हो जाती है हमारी हो जाती है 10% ब्याज की दर ज्ञात कीजिए जिस पर 100 रुपये की राशि 10 वर्ष बाद 200 हो जाती है। दोस्तों 100 रुपये दिए थे 200 हो जाती है, ब्याज क्या मिला हमें 100, यहाँ पर ब्याज लिख लेते हैं हम बराबर में। अब 100 हमने दिए थे और हमारी 10 वर्ष है, राशि में दर पता नहीं है बटे में 100, ये आपको समझ में आया दोस्तों कि नहीं। 200 रुपये हैं, 100 रुपये हमने मूलधन दिए थे, 100 रुपये ब्याज मिले थे, मूलधन ब्याज बराबर क्या होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। समय यहाँ पर नहीं है पता है तो हमें एक्सेल के लिए 100 से 100 ये कट जाएंगे, 10 10 100 एक्स की मान हमारी 10%, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कोच की मरम्मत 12 दिनों में करता है, उसके तकनीशियन वही जो 18 दिनों में पूरा करते हैं, यदि ये दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को करें तो कार करने में पूरा कितना दिन लगेगा। अब दोस्तों क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, ये बोल रहा है एक कोच सहायक 12 दिनों में कर सकता है और उसके तकनीशियन वहाँ 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ये इसके लिए दोस्तों ये साधारण सवाल है, 1/12 + 1/18, ये हम यहाँ पर लासा लेंगे तो लासा आएगा हमारा 12 और 18 का लासा लेंगे, 6 × 12 = 36 अब 12 × 36 = 18 × 36 तो 36 में हम कितने का भाग देंगे 3 और 2 5 का, तो 5 × 6 = 30 65 5 × 2 = 10 7.2 हमारा इसे यहाँ राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, 500 का 50% का 20% है, तो यहाँ पर 5000 लिख लेते हैं हम, यहाँ पर का के मतलब गुणा, यहाँ पर 50% बोल रहा है 50/100 हो जाएगा यहाँ पर, फिर का बोल रहा है तो का बीच में का मतलब गुणा होता है 20% मतलब 20/100। अब क्या होगा दोस्तों, 1 0 2 0 3 0 4 0 काट दिए, 100 100 कट गए, 25 20 25 100 55 500 हो जाएगा डायरेक्ट यहाँ पर, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 मीटर विकर्ण वाले एक वर्गाकार का क्षेत्रफल क्या होगा। अब दोस्तों 15 मीटर विकर्ण है, दोस्तों हमारा यहाँ क्या दिया गया है वर्गाकार, तो ये वर्गाकार हमने बना लिया है, इसका विकर्ण ये दिया गया है हमें 15, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है विकर्ण स्क्वायर बटे टू, डायरेक्ट सूत्र होता है इसका, तो विकर्ण कितना कितना दिया हमें 15 का वर्ग कितना होता है 225/2, तो ये आएगा हमारा 112.5 मीटर, ऑप्शन नंबर जी आएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, एक रेलवे अधिकारी एक रेलवे पुल पर खड़ा है जिसकी लंबाई 200 मीटर है, वह पाता है कि ट्रेन पुल को 19 सेकंड में पार करती है परंतु वह स्वयं उसे 9 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की लंबाई बताइए। दोस्तों ट्रेन की लंबाई यहाँ पता नहीं है, पुल की लंबाई पता है, तो हम मान लेते हैं पुल की लंबाई यहाँ पता है तो 200। अब क्या बोल रहा है दोस्तों वो, तो ट्रेन की लंबाई भी इसमें जुड़ेगी दोस्तों जब पार करेगी, तो इसमें हम इसकी मान लेते हैं डी है, ठीक है, डिस्टेंस किसका, ट्रेन का डिस्टेंस डी है। अब दोस्तों क्या बोल रहा है, इसको पार करने में टोटल उसको 19 सेकंड लगते हैं बराबर में, और उसको आदमी को पार करने के लिए उसको स्वयं को पार करना पड़ेगा डिस्टेंस को, यहाँ पर डिस्टेंस लिख लेते हैं ओनली, उसको पुल को पार तो करना नहीं पड़ेगा और उसको लगते हैं 9। इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे, 9 × 2 = 1800, इसे क्रॉस क्रॉस गुणा कर लेंगे, 9 × 2 = 1800 दोस्तों +90, ये 9 का गुणा इसमें होगा बराबर में 19D। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पर, हम इसको हम लेस कर लेंगे, तो 1800 बराबर 9 इस साइड जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, तो 10D बचेगा ओनली, तो D बराबर हमारा कितना आएगा 180। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 ट्रैकमैन एक पटरी नवीनीकरण के कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, 18 ट्रैकमैन उसी कार्य को पूरा करने में कितने समय लेंगे। दोस्तों इसका सूत्र होता है m1d1 = m2d2। दोस्तों अब क्या करना है, 15 ट्रैकमैन एक पटरी के नवीकरण को 12 दिन में करते हैं, तो 15 m1 = 15 d1 = दिया गया है यहाँ पर इंटू में 12।
अब दोस्तों पूछ रहा है आगे 18 ट्रैक मन उसी कार को कितने दिन पूरा करेंगे, तो हमें 18 ट्रैक मन यहाँ दिए गए हैं और ड्यू टू हमें निकालना है। तो 30 से काट देते हैं, 30 18, 3 4 12, 3 2 6, 3 5 15, 2 1 2, 2 2 4, तो डी बराबर हमारे 5 2 10 दिन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दोस्तों सीरीज, दोस्तों ये हमारी सीरीज दी गई है सीरीज, इसका दोस्तों आप लोग आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा दो, ये भी श्रेणी दी गई है दोस्तों, ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 2 4 6 8 11 12 14, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 2 4 6 8 11 12 14। दोस्तों इसमें अंतर देखेंगे, सबसे पहले तो ये में कि 2 का निकलता है, इसमें भी दोस्तों 2 का निकलता है, इसमें भी दोस्तों 3 का निकलता है। मतलब कि क्या पूछा गया है इसमें, कौन बाहर होगा, बाहर माने कौन इसमें गलत है। तो इसमें दोस्तों ये गलत हमारा 8 लग रहा है हमको, इसमें दोस्तों 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो यहाँ पर 10 होगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों यहाँ पर इसमें इसमें भी 2 का डिफरेंस है, 6 और 8 में, यहाँ पर 10 11 है दोस्तों, इसमें 3 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पर 10 हो जाता तो हमारी सीरीज सही चलती, क्योंकि 10 होता तो 2 का डिफरेंस, इसमें 12 हो रहा, 12 14 हो रहा, मतलब कि 11 यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 8 27, ये आपको देख रहे होंगे क्यू है, 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू 64, ये हमारा ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 11 19 25, दोस्तों आपको ये सीरीज दी गई है, यहाँ पर सीरीज दी गई है 5 11 19 29। दोस्तों आपको क्या करना है इस सीरीज में, दोस्तों ये लॉजिक लग रहा है, लॉजिक है हमारा यहाँ पर 2 का वर्ग करेंगे दोस्तों हम लोग, 2 2 4 + 1 = 5 आ जाता है। अब ऐसे में 11 लाना है, 2 तो 11 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 3 3 का 9 + 2 जोड़ेंगे 11 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा 4 का वर्ग + 3 जोड़ेंगे तो 19 आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा 5 का वर्ग + 4 जोड़ेंगे तो कितना आता है, 29 आ जाता है। ऐसे ही हम 6 का वर्ग करेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, तो ये हमारा 41 आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें 41 राइट होगा, जो कि आपको ये यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, प्रथम दो शब्द के मध्य संबंध ज्ञात कीजिए और दिए गए विकल्पों में से शब्द का चुनाव करें जो तीसरे शब्द के साथ ही वही संबंध रखता है जो प्रथम दो के बीच निर्धारण करता है। दोस्तों हमारा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर बोध बिहार, बोध गया दोस्तों बिहार, बोध गया अनुपात बिहार, समानुपात तिरुपति, तो यहाँ पर क्या है, बोध गया बिहार में, तो तिरुपति क्या है आंध्र प्रदेश में, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र त्रिवेंद्रम, दोस्तों मुंबई का राजधानी क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, तो यहाँ पर देखना पड़ेगा दोस्तों में हमें त्रिवेंद्रम, तो त्रिवेंद्रम की राजधानी क्या है दोस्तों, केरल, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, तो यहाँ पर डी राइट होगा। ऐसे ही दोस्तों हमें इसका संबंध बताना है, दादा पिता है तो भाई का संबंध किससे होगा। दोस्तों आपको ये समझ में, आपको जानते होंगे दोस्तों ये निकालना इसका पुत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा पटना रांची चेन्नई, पटना का संबंध रांची से चेन्नई से किसका होगा। दोस्तों पटना क्या है दोस्तों, पटना का दोस्तों हमारा ये पटना कहाँ पड़ता है, बिहार में, ये बिहार की राजधानी है, तो दोस्तों झारखंड की राजधानी, झारखंड की राजधानी क्या है, ये रांची है यहाँ पर, तो ये चेन्नई की, तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, तो यहाँ पर क्या है और राजधानी हमारी क्या दी गई है, इलाहाबाद, किसी की राजधानी नहीं है, पुणे नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है, तो हमारा यहाँ बेंगलोर राइट होगा। तो 72 का हमारा यहाँ पर डी होगा, बेंगलोर ही हमारा यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने बताया वह मेरी माता की माता का इकलौता पुत्र है, परिचयदाता महिला का संबंध क्या है। दोस्तों ये आप लोग क्वेश्चन हमें कमेंट में बताएं दोस्तों सॉल्व करके, इसमें दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा निम्न में से क्या एक जैव अवघटनीय है, DDT, पेपर, प्लास्टिक, एल्युमिनियम, तो दोस्तों इसमें आंसर होगा हमारा बी, पेपर। दोस्तों पेपर हमारा यहाँ पर जैव अवघटनीय, मतलब आप समझते होंगे कि इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा ज़्यादा, और दोस्तों एल्युमिनियम, प्लास्टिक, DDT से प्रदूषण फैलेगा, ये जैव अवघटनीय नहीं है। एक्स किरण की खोज की थी रोंटेजन, HD Davy, फेराडे, कॉपरनिकस, तो ये रोंटेजन ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा एक निश्चित भाषा में मद्रास को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में, उस भाषा में क्या होगा। दोस्तों एम से क्या हो रहा है, एम से एन हो रहा है, एक यहाँ पर डिफरेंस हो रहा है, एम एन
बी यहाँ बढ़ रहा है दोस्तों, हमारा क्या होगा दोस्तों इसमें, और यहाँ पर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, क्योंकि दोस्तों बी से क्या हो रहा है, सी हो रहा है, पी से ओ से क्या हो रहा है, एम एन ओ, ओ से हो रहा है पी दोस्तों, एम से क्या हो रहा है एन दोस्तों, इसका संबंध हमारा सी से निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी कूट भाषा में थैंक्स को ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में कॉमन को क्या लिखा जाएगा दोस्तों, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कुछ कुछ नहीं, आगे पीछे कुछ आगे पीछे लिखा लिखा जा रहा है, तो इसमें क्या लिखा जा रहा है, थैंक्स, टी एच ए एन के एस, थैंक्स को क्या लिखा जा रहा है, एच टी एन ए एक्स के, तो हमें क्या लिखना है, हम कॉमन को निकलना है दोस्तों, यहाँ एस लिख रहा है तो बीच का ओ ओ दोस्तों, बीच का एक आगे वाला अंक यहाँ बाहर ले रहा है और बाहर का अंदर ले रहा है, तो हमें यहाँ पर सी लेंगे। अब दोस्तों क्या कर रहा है, ये ले रहा है यहाँ पर एन, तो ये एम हम यहाँ पर लेंगे, तो एक एम यहाँ पर लेंगे, अब दोस्तों एन यहाँ पर लेंगे और यहाँ पर लेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या निकल के आता है हमारा, उसमें ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ हमारा डी निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, श्वेत क्रांति का नाम संबंधित है दोस्तों, श्वेत क्रांति का नाम संबंधित है के रंगराजन या वर्गीज कुरियन या एम एस स्वामीनाथन, इसने दोस्तों हरित क्रांति की थी, तो एम वर्गीज कुरियन का संबंध है श्वेत क्रांति से और एम एस स्वामीनाथन का है हरित क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऊर्जा का अपरंपरागत स्रोत है, अपरंपरागत मीन्स सौर, ये हमारा कोयला, पेट्रोलियम, इरिडियम नहीं होगा, यहाँ पर आंसर होगा हमारा सौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री अवस्थित है दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री हमारा अंटार्कटिका पर स्थित है, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वर्ल्ड में पेन ड्राइव क्या है दोस्तों, पेन ड्राइव है इलेक्ट्रॉनिक पेन है, डाटा स्टोरेज है, या एक कार है, या वैज्ञानिक नाम है, तो स्टोरेज पेन ड्राइव, पेन ड्राइव क्या है दोस्तों, हमारी डाटा स्टोरेज का काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या एक तिलहन है, तिलहन दोस्तों जानते ही होंगे, जैसे तेल निकलता है, इलायची से नहीं निकलता है, लहसुन से नहीं निकलता है, लौंग से नहीं निकलता है, राई से निकलता है, ये सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेतों में कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यहाँ पर होती है CH4 मतलब मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक मिश्रण नहीं है दोस्तों, कांच एक मिश्रण है, स्टील एक यहाँ पर क्या है दोस्तों, स्टील मिश्रण है, पीतली मिश्रण है, ग्रेफाइट नहीं है, ये हमारा कार्बन का अपरूपक है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट सामान्यतः प्रयुक्त गूगल क्या है, तो गूगल दोस्तों एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड का सर्च इंजन है, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से क्या क्या छुपी बेरोजगारी का कारण हो सकता है, रोजगार के समय रोजगार के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी, चक्रीय रोजगार के स्तर में बढ़ोतरी, या तो स्थान कामगारों की संख्या में बढ़ोतरी, या श्रमिक बल प्रति भागता दर में बढ़ोतरी, दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा ए, रोजगार के सामान्य स्तर में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, यहाँ पर एक वर्ष, यदि एक वर्ष का उपभोक्ता सूचकांक 180 है तथा वर्ष दो का 190 है, तो वर्ष दो की स्फीति दर क्या है दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा ए, 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अल्प आविष्कृत दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्प आविष्कृत अविकसित देशों में गरीबी का बड़ा कारण है, इसके नागरिकों की असक्रियता, आय असमानता, सामाजिक कार्यकलापों का अभाव, लोगों में बौद्धिक क्षमता का अभाव, तो दोस्तों इसमें हमारा आंसर होगा बी, जो आय असमानता है, अल्पविकसित गरीबी देशों का बड़ा कारण है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, मानव विकास सूचकांक, इसे अंग्रेजी में HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, की गणना के लिए किस सूचक का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें किया जाता है हमारा जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक लब्धि, प्रति व्यक्ति GDP, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बजट आधिक्य में कमी करने के लिए मुख्य कारण क्या हो सकता है दोस्तों, हमारा हो सकता है टैक्स दर में वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी, यही हो सकता है दोस्तों, आर्थिक क्रियाकलापों में बढ़ोतरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय रिएक्टर, डायनेमो, थर्मोसोल, या थर्मोपाइल, तो दोस्तों यहाँ पर सौर सेल यहाँ पर इसका कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिसने सर्वप्रथम वह खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चतुर्दक घूमती है, माने सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो दोस्तों वो है हमारे कॉपरनिकस जी, कॉपरनिकस ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रति जैविक औषधि पेनिसिलिन प्राप्त की जा सकती है दोस्तों, पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है, फंगस से, कवक से,
जिसे हम कवक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दुग्ध अपने पोषण युक्त में अद्वितीय है, फिर भी वह एक अच्छा स्रोत है। दोस्तों दुग्ध है हमारा काय का स्रोत है, अच्छा स्रोत ये है हमारा। आप दोस्तों इसका आंसर कमेंट में दें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्वेटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि निम्न में से की जा सकती है। दोस्तों तो इसका आंसर है हमारा आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी धातु आतिशबाजी दोस्तों क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु आतिशबाजी में चमकीला श्वेत प्रकाश को उत्पन्न करने में प्रयुक्त होती है। दोस्तों चांदी, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम। तो इसका आंसर होगा हमारा मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकाश वर्ष एक इकाई है, प्रकाश वर्ष एक इकाई है वेग की, दूरी की, समय की, ऊर्जा की। तो यहाँ दूरी की एक इकाई है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गांधी जी के द्वारा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के दौरान विरोध के प्रतीक के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड, या ग्लूकोज, या उर्वरक, या औषधि। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है, गांधी जी ने दोस्तों नमक क्या जलाया था, नमक सत्याग्रह। दोस्तों उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ वो ऑप्शन होगा सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कार्बन का कौन सा अपरूपक एक ठोस दृढ़ त्रियामी संरचना में होता है। ग्रेनाइट, ग्रेफाइट, फुलेरिन, डायमंड, या कार्बन ब्लैक। तो हमारा इसका आंसर होगा सी, डायमंड। जो हीरा होता है दोस्तों उसको त्रियामी संरचना होती है हीरा की, उसको डायमंड बोलते हैं अंग्रेजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक नहीं है, सॉरी दोस्तों यहाँ पर निम्न में से कौन सी एक सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। फेसबुक एक बहुत ही बड़ी फेमस, सबसे बड़ी है दुनिया की, और ट्विटर है हमारी दुनिया की, ऑरकुट है हमारी दुनिया की, और ओपेरा हमारा क्या है, एक ब्राउजर है। तो यहाँ राइट आंसर होगा ओपेरा। ओपेरा एक सोशल नेटवर्क साइट नहीं है, ये तीनों हैं। तो दोस्तों आपको पसंद आया होगा दोस्तों ये सेट, और दोस्तों पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमारे साथ बने रहें दोस्तों। ऐसे ही मैं सेट यहाँ पर अपलोड करता रहूँगा दोस्तों। अभी हम लोग ग्रुप डी का यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद हम यहाँ पर TC और ASM, SM, CC आदि की भी सेट भी यहाँ पर अपलोड करूँगा, जिससे कि दोस्तों आप लोग को लाभ हो। दोस्तों हमारे साथ बने रहें आप, धन्यवाद।